नमस्कार दोस्तों, इस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच काफी टेंशन का माहौल है। दोनों देश युद्ध पर उतारू हैं और अगर युद्ध होता है तो ओवरऑल पावर में भारत की पावर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये छोटा सा देश पाकिस्तान भारत से बिल्कुल नहीं डरता और हमेशा लड़ने को तैयार रहता है, जवाब देने की बात करता है। इसकी वजह है इसके पास 5 ऐसे हथियारों का होना जो हमारे पास नहीं है। आगे देखेंगे वो क्या है। इन बावजूद इसके ये टचपुंजिया सा देश भारत को आंख दिखाता रहता है, डरता नहीं और युद्ध पर आमादा है। आखिर ऐसा क्या है इसके पास जिसके दम पर ये हमेशा भारत को उकसाता रहता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हथियार जो इनका है वो है इनकी जिहादी आवाम। जी हाँ दोस्तों, यूं तो युद्ध के समय पूरे देश की जनता देश के साथ खड़ी हो जाती है, सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार होती है, लेकिन फिर भी हम भारतीय लोगों के अंदर एक इंसानियत है और हम 150 मासूम लोगों को बिना किसी गलती के मारना पसंद नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान की जनता जो गाय भैंस बकरी और इंसान की जान में कोई फर्क नहीं समझती, उन्हें काटने मारने से पीछे नहीं हटते और यहाँ से कई बार दुनिया भर में इनके नौजवान सुसाइड बॉम्बर बनकर चले जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं और सैकड़ों को मार देते हैं। और इसीलिए जब बात युद्ध की हो तो पाकिस्तान का हर एक नौजवान लड़ने को और सामने सैकड़ों को मारने के लिए तैयार रहता है। और ये पाकिस्तान की छोटी सी सेना जो भारत के मुकाबले आधी भी नहीं है, उसे बहुत बड़ा बूस्ट प्रदान करता है और इसीलिए पाकिस्तान को ये लगता है कि उनके पास सैन्य क्षमता भारत से कम नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। दूसरा सबसे बड़ा हथियार इनका है चाइना से दोस्ती। इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना दुनिया भर में पावर पोटेंशियल में तीसरे स्थान पर आता है और चाइना हम सभी जानते हैं पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है और भारत का दुश्मन है। ये किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहेगा कि भारत पाकिस्तान को हरा कर एशिया में अपना लोहा मनवा ले, क्योंकि ये एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर रहना चाहता है। इसीलिए अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा माहौल आया कि भारत पाकिस्तान से युद्ध जीतने वाला है तो ये पूरे तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। और अगर चाइना ने युद्ध में इंटरफेयर किया तो हमारे पास इन दोनों देशों से एक साथ लड़ने की क्षमता नहीं है और ये बात पाकिस्तान भी अच्छे तरीके से जानता है कि डायरेक्टली चाइना मदद करे ना करे, इनडायरेक्टली उसकी मदद युद्ध में जरूर करेगा और इससे वे भारतीय सेना से बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं चाइना के दम पर। तीसरा हथियार है इस्लामिक देश। एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक देश हैं और जब बात पाकिस्तान के हारने की हो तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पाकिस्तान की संसद में ऐसा कहा जाता है कि ये युद्ध हिंदुस्तान और इस्लाम के खिलाफ है और इस बात का रोना रोते हुए पाकिस्तान की सरकार दूसरी शक्तिशाली इस्लामिक कंट्रीज से मदद की गुहार लगा सकते हैं। ऐसे में हम सभी जानते हैं कौमी खून है और खून खून पर मरता है। कुछ देश इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। अभी हम जानते हैं तुर्की, ईरान और सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया बहुत हद तक पाकिस्तान की मदद करते हैं। अगली पावर इनके पास है F-16 फाइटर प्लेन। हालांकि इंडियन मीडिया कहता है कि इस प्लेन को मार गिराया गया, लेकिन ये कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। ये चाइना और पाकिस्तान के द्वारा डेवलप किया गया फाइटर जेट है। ये लाइट वेट है, काफी तेज गति से उड़ता है, बहुत ज्यादा विध्वंसक है और मल्टीपर्पज यूज इस विमान के हैं और ये पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। हालांकि इसके मुकाबले में भारत के पास Su-30 MKI मिराज 2000 प्लेन है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है पायलट्स का, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत समय से इस जेट का निर्माण चाइना की मदद से हो रहा है। बहुत सारे लोग लगातार 20-20 घंटे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। पाकिस्तान हर साल 25 से 30 इस तरह के विमानों का निर्माण खुद अपने ही गढ़ में करता है और भारत में फाइटर जेट्स के मैन्युफैक्चरिंग का काम अभी अभी शुरू हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के पायलट्स इस तरह की टेक्नोलॉजी से भारतीय पायलटों के मुकाबले ज्यादा परिचित हैं, ट्रेंड हैं। अगली सबसे बड़ी ताकत है पाकिस्तान के पास आतंकवादी फौज की। जो आंकड़े अभी हमने देखे थे वो पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जाहिर किए गए आंकड़े हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के पास एक इनडायरेक्ट हथियार भी है, उनके आतंकवादियों की फौज। दुनिया भर में उनके आतंकवादी दहशतगर्दी मचाते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनके पास हथियार कितने हैं, इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं और हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई में ये भरपूर रूप से सेना की मदद करेंगे।
तो दोस्तों आपने देखा, कंपैरिजन करें तो भारतीय सेना की क्षमता पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये देश हमें आंखें दिखाने को तैयार है। इसकी वजह है इसकी ये 5 इनडायरेक्ट हथियार। यही वो ताकतें हैं जिनके दम पर ये भारत ही नहीं दुनिया के किसी भी देश से नहीं डरेगा, क्योंकि ये जानता है हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। और अगर इस चालबाज देश को हमें हराना है तो हमें इसकी सही क्षमता को जानते हुए, वो कहते हैं ना दुश्मन को कम ना समझें, हमें भी अपने देश के सैनिकों की मदद करनी होगी। युद्ध के हालात में कभी पीछे ना हटें, जितना हो सके देश की सेवा करें। उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई